और क्या कुमार यही करता है, जो पैसा वाला उसको पैसा दिया तो जैसे ये आप आइए उधर से, इधर आइए, उधर पानी में कहाँ जाएंगे, आइए 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 आइए, उधर से आइए, उधर से आइए, हाँ अरे नहीं 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 आइए आ जाइए आराम से आराम, यहाँ आइए आइए, क्या नाम है आपका आगे बताइए, रमाकांत झा, रमाकांत झा आ जाइए, झा जी आगे आइए आप, ये बहुत आप भी इधर ही रहते हैं, कितना साल से हैं आप, लगभग 25-30 साल से, कौन से जिला से हैं आप बिहार में, मधुबनी, मधुबनी से, तो आपका मकान किधर है, 4 नंबर गली में, अच्छा तो हम लोग तो ये देखने आए कि मॉनसून आया नहीं, दिल्ली का हर जगह का हाल ऐसे ही बुरा है, तो ये सब घोषणा पत्र में कहता है कि आपकी गली नली पीने का पानी सब कुछ कर देंगे, वोट दीजिए हमको, तो हम पूछ रहे हैं 6 महीने के बाद चुनाव है तो क्या है, देखिए जब से हम यहाँ हैं जो कांग्रेस के राज में हुआ वो न भाजपा किया है और न ये आम आदमी किया है, कोई नहीं किया है, सब अपना जेब भरा है, तो कांग्रेस किया तो कांग्रेस को वोट का नहीं आ रहा है, 99 सीट आया इस बार भी, तो 99 सीट आया ना तो वो तो किया नरेंद्र मोदी दोगला पानी, ये नरेंद्र मोदी कहता जो नरेंद्र मोदी है लेकिन ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये नाथू राम गोडसे का। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी, लड़का नरेंद्र गोडसे है, अरे अरे तो आप कह रहे हैं, आप पंडित जी नाराज हैं लगता है मोदी से ज्यादा, नहीं बिहार में ये बताइए कि यहाँ नर्क है तो बिहार कैसा है, फिर बिहार क्यों नहीं रहते हैं आप लोग, नीतीश कुमार 20 साल से कहते हैं कि भाई आधा पलायन रुक गया हमारे यहाँ, जितना वो कर सकते थे जंगल राज से मुक्ति दिला दिए, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं केंद्र से, कुछ नहीं किए हैं, ये कहे ना जो पैसा उनको दिया उनको सब कुछ किए, और जो एकदम गरीब है उनको कुछ नहीं, ये इंदिरा आवास है जो कुछ दिया है, जिनको जमीन है पैसा है उनको 5-5 गो इंदिरा आवास मिला, और जिसको अपना रहने के लिए घर नहीं है उसको कुछ नहीं मिला। अरे आप नाराज नीतीश कुमार से, अब तो संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए कार्यकारी ब्राह्मण को, अब क्या दिक्कत है आप लोगों को, कोई नहीं सब वही चट्टा पट्टा है, वही है वही है, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार बढ़िया कि तेजस्वी यादव काम ठीक कर रहे हैं, सही बताना आप मुझे, कोई नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, फिर यहाँ नर्क में ही है बिहार में, वही हालत है, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे, जो लिखा रहेगा आज न कल जरूर उद्धार होगा, खाली कांग्रेस आ जाए सत्ता में, कांग्रेस आ जाए, चलिए ठीक है, आप कहाँ से हो भाई, हैं अरे बंद करो, क्या नाम है, सूरजपाल, हैं सूरजपाल, सूरजपाल जी, अच्छा क्या करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, बदायूं के, बदायूं के जी, तो इधर ही रहते हो आप, ना संडे बाजार में रहता हूँ उधर, तो बदायूं अच्छा है कि दिल्ली अच्छा है, अब तो किसी में अंतर नहीं है यहाँ, जो काम अनिल लाना शुरू में किया था ना तो अभी तक किसी ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ना, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, नहीं जो अनिल लाना शुरू में किया था ना वो काम जो है नजर में आया था, वो
नजर में आया। अरे अब तो इंडिया को जिता दिए। अरे साहब इंडिया तो जीते जीतनी भी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम बीडी जोशी। जोशी जी उत्तराखंड से? हाँ जी सर। तो ये बताइए इतना बढ़िया जगह छोड़ के कहाँ ये सर जगह छोड़ के क्या करे? ये तो पेट के लिए बाहर आना पड़ता है। यहाँ ये हाल है कि घुटने घुटने पानी ना, पानी नसीब और ना चलने का रास्ता नसीब। और 10 साल से 15 साल से कोई योजना नहीं, खंबे खड़े कर दिए। कोई बीमार पड़ जाए तो ना तो कोई गाड़ी आ सकती है ना जा सकता है। और बिजली की तारें लटकी पड़ी है, किसी के सिर पर लगे तो करंट। अभी बीच में करंट लगा था, एक मरा था, गाड़ी तक भी नहीं आ पाई है इसमें। ऐसी तो यहाँ की हालत है। और विधायक पर जाओ वो कहता है अभी कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। वो 3 महीने उसके आए नहीं, कई बार चले गए, उसके बाद कोई सुनाई तो नहीं है। लोग लोकसभा में 7 की 7 सीटें 3 बार से दे रहे हैं सर जी, केंद्र को क्यों नहीं कहते हैं? लोग पूछते हैं कि भाई एमपी से क्यों? अब देखो इस बार एमपी साहब आए हैं, उनका शपथ ग्रहण होगा तो ही मिलने के लिए टाइम दिया उन्होंने। बस पहले भी तो बीजेपी थी सर। थे सर, उनके पास नहीं गए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनके पास अभी मिले नहीं। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से, आगर नगर से। अच्छा, मूल कहाँ से हैं आप? मूल राजस्थान। राजस्थान से? राजस्थान से। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी तो चुनाव खत्म हुआ, अभी ये जैसे करंट मारा लगा था उसको लड़के को, जब एम्बुलेंस आते आते लड़का खत्म हो गया। ले संजय गांधी नहीं ले गए ना महावीर ले गए। ये देखो गंद कितना है, मच्छर इतने हो रहे हैं, आबादी हम कितनी बार जाए। रास्ता ही नहीं है। अरे तो रास्ता नहीं है, कच्ची कॉलोनी है। अब तो अच्छा है ना कि विधायक कम से कम सीवर लाइन डलवा के ठीक करा रहा है। सीवर लाइन तो चला गया, लेकिन यहाँ से अगर बीमार हो गए कोई गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल सकती। तो इतने साल से आप लोग नहीं थे, इतने साल से नहीं थे, अब कम से कम सीवर लाइन डलिए तो सड़क भी बन जाएगी। अरे बनेगी जब ना, जब तक तो कितने मर जाएंगे यहाँ। मान लिया आग लग गई कहीं तो आग बुझाने वाली गाड़ी आएगी नहीं, वैसे जल के मरेंगे। अच्छा इस मोहल्ले में कितने लोग हैं आप लोग? मोहल्ले में तो हजारों लोग हैं, एक दो थोड़ी है। अच्छा बताइए तो ये इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये इस तरीके की पानी निकलने का जगह नहीं, पानी पीने का जगह नहीं, ये हमारे विधायक जिम्मेवार है। विधायक जब वोट लेते हैं जब तो नक्शा पास है और अब काम करने के लिए कह रहे हैं नक्शा ही नहीं है। पूरी सरकार जिम्मेदार है, इसके केवल विधायक जिम्मेदार नहीं है। पूरी तो पूछते हैं विधायक पूछते हैं कि एमपी यहाँ 3 बार से जीत रहा है बीजेपी के, एमपी का ही तो फंड होता है। और आप बोल रहे हैं सीवर पड़ रहा है, इसका उद्घाटन 5 साल पहले हुआ था जेएस स्कूल में, केजरीवाल आकर किए थे। केजरीवाल 5 साल पहले उद्घाटन इसका हुआ। एमपी का काम यहाँ थोड़ी है गली कुची बनाना, ये विधायक का काम है ना, दिल्ली सरकार का काम है। तो एमपी का क्या काम है? एमपी का बाहर बाहर का काम है, मेन रोड से बनाना है। क्या नाम है आपका? दिलीप झा। दिलीप झा जी कहाँ से आप? मधुबनी। अरे तो मधुबनी छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हैं? बिहार क्यों नहीं रह रहे हैं? पेट ले आया ना, बिहार में कोई धंधा तो हो, कुछ तो हो, पेट यहाँ खींच लाया। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बिहार में 20 साल से बाहर है। रहने से क्या होगा, हम लोग 25-30 साल तो पहले से आए हुए हैं। 30 साल हो गया, 30 साल हो गया, कोई चीज रहने नहीं दिया। बिहार में कोई धंधा है तो कोई करेगा, क्या करेगा? मट्टी खोद के खाएगा। दिल्ली का क्या होगा? रोजगार होगा, वही तो करेगा। अगर बिहारी बिहार चला जाए, मैं बिहारी लोग मिलते हैं तो हम ये पूछते हैं, अगर बिहारी बिहार सुन तो लो कि नीतीश कुमार ने कहा कि जंगल राज हटा के हम ले आए, ठीक है 20 साल से वो है। अब कह रहे हैं बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दो, बड़ा गरीब राज्य है तो यहाँ के लोगों का भला कर दे। तो हम पूछ रहे हैं कि भाई 20 साल में कम से कम कितने बिहारी यहाँ से लौटे दिल्ली से जो रोजगार के तलाश? एक भी नहीं लौटे हैं। और अगर बिहारी लौट गए तो फिर दिल्ली का क्या होगा? जी मैं यहाँ का प्रधान हूँ। अच्छा, और जब मैं यहाँ पे आया था छोटा सा प्लाट लेने, 50 गज का वो प्लाट लिया, उस टाइम मेरी उम्र 34 साल थी और अब 68 साल है। मुझे तो नहीं लगता उससे कुछ बदलाव हुआ है, उल्टा गिरा है। पहले ये नौबत तो नहीं थी हमारे लिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब कुछ नई चीजें बनती है जो आप जिसकी बात करें, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो आगा नगर का है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ वहाँ जो सीवर लाइन दिख रहे हैं, तो आमतौर पर तो कच्ची कॉलोनी में सीवर लाइन नहीं डलती। आज तो मैं आपसे बता रहा, मेरी बात सुनो, सीवर लाइन का मसला ये है, अगर इन्होंने ये लाइन डाल दी तो उसके बराबर करो। हाँ, बराबर करो। अब यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो 5 ग्रेडर
पानी का टैंकर, कूड़े की गाड़ी, एम्बुलेंस, हम हर चीज से वंचित हैं यहाँ पे। कोई चीज नहीं आ सकता। अच्छा, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं आप लोग? हमारे यहाँ 1000 से ऊपर घर हैं, 1150 घर हैं। घर हैं? हाँ बिल्कुल। एक घर में 4-5 लोग रहते होंगे? 2 ब्लॉक हैं, ए और बी। 33 गलियां, 2 रोड, 320 मीटर का वो, 456 का वो, मेरे से मैं एक एक बता सकता हूँ। और हमारे यहाँ लगभग 7,000-8,000 आदमी की जनसंख्या है। और हम ये देखो, मैं आपको मीडिया वालों को क्या क्या दिखाऊं, ये हमारी कॉलोनी 1639 कॉलोनी में 231वां नंबर था, अप्रूव हुई है, मगर फिर भी आज तक हम हर चीज से वंचित हैं। तो एक बात बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी के पास जाओ तो कहता है भैया एमपी यहाँ से 3 बार लगातार बीजेपी। देखो, एमपी का काम है लोकसभा में, यहाँ विधायक गली नली नहीं बनाना है। वो एमपी कैसे आएगा? यहाँ विधायक का, काउंसलर का, इनका देख रेख का काम है। ज्यादा हो सकता है एलजी आए यहाँ, और क्या करेगा, एमपी थोड़ी यहाँ आएगा कोई। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार आप लोग मान रहे हैं? दिल्ली सरकार को मानते हैं हम तो, हमारे बार बार कहने के बावजूद भी नहीं। ये 6 महीने के बाद अब चुनाव है, एक चुनाव तो आपने दे दिया अपना जनमत, तो चुनाव होगा जब देखेंगे, हमारा काम करेगा उसको वोट देंगे।